फाइन। सो ये वाले जेसन में अब हमें क्या करना है बेसिकली, दैट वी होप ऑल द अननोन फील्ड्स व्हिच इज नॉट रिक्वायर फॉर माय नेसेसरी थिंग्स। ओके, मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझे सिर्फ ऐसे ही एंट्री रखने हैं जिसमें इनवाइट स्टेटस पेंडिंग रहेगा, बाकी सब के सब मुझे रिमूव करने हैं एंट्रीज। ठीक है, सो फॉर दैट विल राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो माय फर्स्ट जॉब इज टू रिमूव ऑल द आईडीज इन द कंप्लीट जेसन फाइल। सो इसके लिए आवाज नहीं आ रहा है सर अभी। ओके, सो माय मेन मोटिव इज दैट आई हैव टू रिमूव ऑल द अननेसेसरी कैरेक्टर्स और अननेसेसरी की एंड वैल्यू पेयर फ्रॉम द जेसन फाइल। ओके, सो फॉर वन बाय वन विल राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिमूव ऑल द अननेसेसरी पार्ट्स। सो स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट थिंग विथ एन आई डी। ठीक है, तो जितने भी आई डीज है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। आई एम नॉट श्योर, मेरा हैंग हो गया है शायद मशीन या कुछ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके फाइन, चलो। सो I'll start writing with ID के लिए। Okay, so I have to remove all the IDs from this particular file. So ID का अब हमें pattern check करना है। So I double quote, okay, then double quote colon again double quote, और उसके अंदर basically क्या है, so we have the digits. So उसके लिए हम एक regular expression लिखते हैं। So we can see that ID, then double quote, again colon, double quote. Now what do we have? We have all the digits. So digit को कैसे represent कर सकते हैं? So या तो 0 to 9 with plus, right? And then again double quote. This is one of the way. Or else the another way is D, right? So which is also for numeric. So now I will replace this in the complete file with space. So replace किससे कर रहा हूँ मैं? Space से। So देखोगे तो जहाँ पे ID है वो pattern यहाँ पे match हो रहा है, बराबर है। You can see that these are the highlighted one, or I can say for example find. So ये देखो, ये एक pattern, जितने भी pattern है सब match हो रहे हैं, right? Now what I'll do, I'll replace. So अभी ये देखो, जितने भी IDs थे वो सबके सब क्या हो गए हैं, तो discard हो गए हैं. Okay, so that is what we have written, one pattern. अब second pattern. Screen pause हुआ है? हाँ. Okay. अभी 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 चल रहा है। सॉरी, आई गेस नेटवर्क के लिए। पहले वाला समझ में आया क्या किया मैंने? वो आईडी का, हाँ वो समझ में। हाँ, सो उसके लिए क्या किया, दिस इज वन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये देखो, दीज आर द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो माय फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन वाज दिस वन। नाउ आई हैव टू राइट अनदर रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिमूव सम अनदर कैरेक्टर्स। नाउ उसके लिए विल राइट अनदर, विल टेक दिस वन। अब मुझे क्या रिमूव करना है, सो आई हैव टू रिमूव ऑल द प्रोफाइल पिक। सो प्रोफाइल पिक के लिए अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है चेक करो फिर से। सो
डबल कोट फाइल पेक ओके डबल कोट कोलन अगेन डबल कोट और लास्ट में किससे खत्म हो रहा है तो डबल कोट से. अब इसके अंदर हमें मैच करना है सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन. सो अब इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं वो चेक करो. कौन कौन से आते हैं? अल्फाबेट आते हैं, न्यूमेरिक आ रहे हैं, अंडरस्कोर आता है, फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, राइट, एंड डिजिट्स है. सो फॉर दैट विल राइट बैकस्लैश डब्ल्यू ओके विथ प्लस. प्लस से क्या हो गया, जितने अल्फा न्यूमेरिक है वो मिलेंगे, प्लस उसके अंदर क्या क्या है तो कोलन, देन वी हैव फॉरवर्ड स्लैश, राइट, देन वी ऑल्सो हैव डॉट इनटू दिस, एंड देन वी इवन हैव इक्वल टू, वी हैव एम्परसेंट. सो दीज आर अ काइंड ऑफ things which are already there into every link. So https alphanumeric colon forward slash dash. So dash bhi ek missing hai. Theek hai. So ab iske liye agar hamara regular expression dekhoge jo maine likha hai usme aur kya kya missing hai wo dekhte hain. Okay, question mark and underscore, fine. So ye wala ek tha regular expression jo humne likha hai. Okay. So, अब ये ऊपर वाला देखोगे तो यहां से लेके तो कहां तक उसको मैच मिला है, वी हैव टू चेक दैट. सो फाइन, अब ये देखो इसमें क्या क्या मिला है. तो फर्स्ट backslash w is for what? All the alphanumeric characters which is present into any string. So backslash w indicate a to z, 0 to 9 and underscore. Okay? Then plus kyun likha hai? Kyunki n number of characters mil sakte hai. Second, even there is a colon if you see that there are also some colon in between. Okay. Then it also consists of forward slash. Okay. Then it also consists of other slashes. So, उसके बाद there is dot. Dot कहाँ पे, यहाँ पे dot है, यहाँ पे dot है. Okay. उसके बाद hyphen भी है, यानी कि dash. Then there is also other characters like question mark. Then दूसरे वाले में कहाँ पे देखोगे तो ampersand भी है. So these are all the characters we have included over here. ठीक है? और उसके बाद ये इंडिकेट क्या करता है जब ब्रैकेट में हम देते इधर अल्फा न्यूमेरिक इधर कोलन इधर एम्परसेंड इधर इक्वल टू, यानी कि एक ही बार होता है. अब हमें क्या चाहिए, क्वांटिफायर चाहिए. क्वांटिफायर यानी कि क्या है, मल्टीपल ऑकरेंस भी हो सकते हैं. सो मल्टीपल ऑकरेंस के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्लस. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू, विल रिप्लेस ईच ऑफ द प्रोफाइल पेक with an empty character, जो कि replace में है, empty character, okay? And we'll say replace all. So ये देखो, अब उसने क्या किया? जितने भी profile pic वाले थे, वो सब उसने उसमें move दिया. So हमारा ये next क्या हो गया? Regular expression आ गया, ठीक है? Okay. I'll just write. Fine. Then अब मुझे दूसरा एक चीज क्या निकालना है. यू कैन सी दैट देयर इज एन इनवाइट स्टेटस विद नॉट इनवाइटेड. ये मुझे सब टाइटल इक्वल टू नल या सब टाइटल इज नल, सब टाइटल वाले मुझे नहीं चाहिए. सो उसके लिए हम सब टाइटल के लिए लिखेंगे सब टाइटल. ओके, एंड सब टाइटल के अंदर क्या क्या आ सकता है, या तो कोई तो अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है, नल रहेगा. सो वी अज्यूम कि अभी के लिए सब नल है. सो जितने भी नल मिले हैं उसके लिए हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, डबल कोट सब टाइटल कोलन नल एंड
कॉमा. सो जहां पे ये मिलेगा उसको हम रिप्लेस करेंगे विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग. अगेन निकाल दिया, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस कंप्लीट जेसन जो हमने पहले देखा था, अब उसमें से मेरे लिमिटेड डेटा ही रह गया. बट अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जहां पे ये नॉट इनवाइटेड वाला डेटा रहेगा वो मुझे नहीं चाहिए. सो फॉर एग्जांपल नेम इज चेतन शिंदे पाटिल एंड इनवाइट स्टेटस इज नॉट इनवाइटेड, नहीं चाहिए. नेम इज निखिल ढेपे एंड इनवाइट स्टेटस इज लाइक, नहीं चाहिए. एंड अगेन नेम एज राजेश दरक एंड इनवाइट स्टेटस एज नॉट इनवाइटेड, नहीं चाहिए. बट अगर मेरे पास नेम एज इन अमृता शिरसागर करके रहता है तो ये रखना है हमें, बाकी के सब कुछ हमें नहीं चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए अब हमें एक दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे. सो मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे डाला है विच इज समवॉट लाइक दिस. तो ये इसके अंदर देखो क्या किया है. ओके अब ये वाले रेगुलर एक्सप्रेशन में देखो क्या किया है. पहले विल गो वन बाय वन. मुझे कौन से नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट, या मुझे वही निकालने हैं जिसका इनवाइट स्टेटस क्या है लाइक और लाइक नॉट इनवाइटेड और नॉट इनवाइटेड, ठीक है. सो इसमें से जो कुछ भी ऐसे वाले डेटा रहेगा जिसमें इनवाइट स्टेटस लाइक नॉट इनवाइटेड और नॉट इनवाइटेड है वो रिमूव करना है. ओके सो अब इसके साथ साथ मुझे और एक चीज लगेगा, यानी कि मुझे नेम भी निकालना है. सो फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट वन, ये डेटा भी मुझे क्या करना है, निकालना है. तो लेट्स से कोलन नेम डबल कोट कोलन एंड अगेन डबल कोट, और इसके अंदर क्या है तो कोई तो भी नेम है विच इज लाइक दिस. सो अब ये देखो ये कौन कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन या मैचेस कर रहा है जिसमें नेम कुछ तो भी है, यानी कि अल्फाबेट और समथिंग और नंबर्स विथ ऑल्सो अ स्पेस. जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो सोनम अग्रवाल के बीच में स्पेस है, राइट. सो वी हैव इंक्लूडेड स्पेस. कितने कैरेक्टर, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं. सो फ्रॉम वन टू एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसके आगे क्या है डबल कोट कॉमा एंड देन देयर इज अनदर वन एज इनवाइट स्टेटस. तो ये वाला मुझे पूरा क्या करना है एज इट इज रिमूव करना है और उसको रिप्लेस किससे करना है, स्पेस के साथ. बट अब इसके अंदर दो तीन अलग अलग टाइप भी है. जैसे यहाँ पे देखोगे डॉट एन डॉट गुजर, राइट. और विल सी इवन नीचे भी अगर आप देखो तो कोई कोई ऐसे मिलेंगे जहाँ सिंगल कोड भी है. सो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी भी ऐड करेंगे. सो जैसे कि ये वाला, ठीक है. तो ये वाला मैच हो जाएगा. और एल्स सिंगल कोड भी वाले, अगर किसी के पास सिंगल कोड उसमें ऐड किया रहेगा तो सिंगल कोड, या किसी ने नाम ऐसा लिखा है कि पीयूष अग्रवाल, सो उसके लिए डैश भी रहेगा. सो इट विल रिमूव ऑल द थिंग्स. अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ. सो ये देखो उसने क्या किया है. पहले वाला अगर हम देखते हैं, राइट, जिसमें लाइक हो रही है सब थे, अभी हमने क्या किया जितने भी थे वो सब निकाल दिए. सो रिप्लेस ऑल से अब मेरे पास कितना बचा है, सिर्फ इतना ही डेटा बचा है जिसके अंदर यू कैन सी दैट देयर आर सम अनवांटेड काइंड ऑफ डेटा आल्सो, जहाँ पे बैकस्लैश यू के साथ समथिंग है और समथिंग लाइक दिस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक एक करते, चलो बैकस्लैश डालते. तो क्या होगा, ये वाले जो नहीं मिले थे पहले अब वो भी मिलेगा. ये कोई तो अनवांटेड डेटा था, सो ये भी इसमें आ जाएगा. और अब हम इसको रिप्लेस करते हैं. सो नाउ यू कैन सी वैलिड सेट ऑफ डेटा जस्ट लाइक दिस, जिसके अंदर क्या क्या है, नेम एंड इनवाइट स्टेटस एज पेंडिंग. अब ये मुझे कब आइडिया आया था मैं बताता हूँ, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था. मुझे बेसिकली फाइंड करना था कि मेरे पेज में
कितने लोगों ने लाइक किया है मेरे पेज को और कितने लोगों का अभी तक पेंडिंग है, तो वो मुझे बहुत बड़ा लिस्ट मिल रहा था विच वॉज अराउंड 300 रिकॉर्ड्स। अब वो 300 रिकॉर्ड्स तो मैं कैसे मैप करूंगा, तो मैंने क्या किया, फेसबुक पे गया, फेसबुक पे से और वो जेसन को मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही करके ये पूरा लिस्ट मैंने निकाला है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये लिस्ट है तो ये सब लिस्ट को मैं इंडिविजुअली अपडेट दे सकता हूँ कि प्लीज लाइक माय पेज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यही चीज अगर मैं एक नॉर्मल प्रोग्राम से करता तो बहुत टाइम लगता, बट अब वही चीज एक रेगुलर एक्सप्रेशन करने से ये काम 5 मिनट में हो गया हमारा। सो दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल और काइंड ऑफ प्रोग्राम विच यू कैन ऑल्सो क्रिएट रीडिंग एनी जेसन फाइल। कोई भी जेसन फाइल लो, कोई भी एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लो, उसमें से मुझे सिर्फ नंबर या नेम चाहिए, सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए, तो आई कैन बेसिकली क्रिएट सच काइंड ऑफ जेसन फाइल्स। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे सबको ये एग्जाम्पल? यस सर। डाउट है? ओके सर, डाउट ये है कि आपने ये मतलब कौन से एडिटर है क्या, या कोई ये कोई एडिटर है क्या? ये सबलाइम एडिटर है। तो बेसिकली बहुत सारे एडिटर में प्रोविजन रहता है फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या लास्ट में लिखा हुआ, रेगुलर एक्सप्रेशन एनेबल करने के लिए। क्या होता है अगर रेगुलर एक्सप्रेशन एनेबल नहीं करूंगा तो ये मुझे नॉर्मल वेज में सर्च देगा, जैसे हम लोग कंट्रोल फाइंड करके करते हैं। बट अगर मुझे यहाँ अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन आना है तो बेसिकली बहुत सारे एडिटर ये ऑप्शन देते हैं हमें। Okay. ठीक है, तो विथ हेल्प ऑफ दिस यू कैन एक्चुअली वर्क फॉर एनी फाइल्स। मतलब कोई भी नॉर्मल फाइल में एडिटर पे जाके भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के सर्च कर सकते हो। आई गेस इवन एक्लिप्स भी देता है हमें ये चीज, इवन आई एम श्योर। हाँ देखो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन करके है, ठीक है। सो इवन यहाँ पे भी हम वही चीज कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे भी करना है सर्च तो वी कैन इजीली सर्च ऑन बेसिस ऑफ सम रेगुलर एक्सप्रेशन। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए ही देता हूँ, तो ये देखो ये दे रहा है मुझे ऑप्शन, दिख रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन यूज रेगुलर एक्सप्रेशन एनी वेयर यू वॉन्ट। कहाँ पे भी कोई भी फाइल में किधर भी मिलता है, रेगुलर एक्सप्रेशन सेम रहता है सबके लिए, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। या तो क्लियर हुआ है सबको, कोई डाउट है? सिद्धि शिवानी? ना सर। ओके फाइन ग्रेट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मैंने इसके लिए इसलिए ज्यादा टाइम दिया क्योंकि ये एक बार समझा ना, ट्रस्ट मी मैं अभी भी जब मैं डेवलपमेंट करता हूँ ऑफिस में अभी भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करता हूँ। लगता है वो जब हम क्वेरीज लिखते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं या कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन रहते हैं, जैसे कि जहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया है और वो फॉर्म के अंदर वैलिडेशन करना है नंबर के लिए या तो फिर और नेम के लिए कुछ ऐसे वैलिडेशन करना है, तो वहाँ पे अगर हमारा बहुत बड़ा कोड रहता है, जैसे हम लोग नॉर्मली कोड लिखते हैं, उसके जगह पे अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं वो एक लाइन में हमारा पूरा वैलिडेशन हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली यूज्ड इन ये करोगे ना सर, असाइनमेंट दोगे ना, हाँ तो उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। ओके ओके डाउट तो क्लियर हो जाएगा, फाइन ओके।